आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की ओर। सीओ रुड़की विवेक कुमार ने कलियर थाने का निरीक्षण किया। वहीं क्षेत्र अधिकारी ने कलियर थाने का त्रैमासिक निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और दस्तावेजों को चेक कर उनमें रखरखाव के लिए उचित निर्देश दिए। मलखान और थाना परिसर में खड़े वाहनों का भी जायजा लिया और कंप्यूटर कक्ष CCTNS मलखान थाना परिसर में खड़े वाहनों का भी जायजा लिया। धनोली क्षेत्र के गांव में शहीद सुनीत सैनी के घर पर एक बैठक की, जिसमें सैनी महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू कुमार सैनी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार ढोल नगाड़ों से साथ स्वागत किया गया और साथ ही राष्ट्रीय प्रभारी जतिन सैनी बागसर बैठक में मौजूद रहे। सैनी महापंचायत के राष्ट्रीय प्रभारी जतिन सैनी बागसर का कहना है कि हमारे भाई शहीद सुनीत कुमार सैनी जो लगभग 7 महीने पहले शहीद हो चुके हैं, अभी तक शहीद के परिवार को न तो नौकरी मिली और ना ही मूर्ति स्थापित की गई। इसी मुद्दे को लेकर यह बैठक की गई है। आप पत्रबंधों को सबसे जय ज्योति जय क्रांति सभी साथियों को समाज में संदेश, जितने भी युवा साथी बैठे यही संदेश देना चाहेंगे कि आप सबसे पहले शिक्षा की ओर चले। शिक्षा की ओर से आप लोगों को रोजगार मिलता है, रोजगार से 3 परिवार मजबूत होते हैं, खुद का, माँ बाप का और आने वाले पीढ़ी पर जो आपका परिवार है उसका। दूसरे को बढ़ावा दें और आपकी हक की लड़ाई सैनी महापंचायत संगठन लड़ेगा और आगे बढ़ने का काम करें, सपोर्ट देने का काम सैनी महापंचायत करेगा। सर्वप्रथम तो मैं उत्तराखंड की देवभूमि का धन्यवाद करता हूँ, जिस तरह से यहाँ सैनी समाज अपना निवास करता है और लगातार अपने समाज के हित के लिए सदैव खड़ा रहता है। और उसी मुहिम में बता दूँ आपको, जो हमारी सुनीत परिवार के लिए मुहिम चल रही है शहीदों को लेकर, जितने भी सैनी समाज के हमारे सपूत शहीद हुए हैं देश के लिए, तो उन सब के लिए मान सम्मान की मांग चल रही है। उसी मांग को लेकर हमने सुनीत के लिए धरना भी दिया था, जिसमें हमें कुछ प्रति कामयाबी मिली है और लगातार धरातल पर कार्य कर रहे हैं। ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर ने मां गंगा का आशीर्वाद लिया और गंगा पूजन भी किया, जिसमें मां गंगा का आशीर्वाद लेते हुए कहा कि जो मुझे जनता ने अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है मैं उसका आभारी हूं। विधायक रवि बहादुर ने यह भी कहा कि पिछले 5 सालों में पूर्व विधायक ने काम नहीं किया है, अब इलाके में तेजी से विकास कार्य को बढ़ावा दिया जाएगा। ज्वालापुर विधायक ने जीतने के बाद मां गंगा का आशीर्वाद लिया और वहां पर जाकर लोगों का आभार भी व्यक्त किया। लगातार जीते हुए विधायक लोगों का आभार व्यक्त कर रहे हैं और साथ ही साथ यहां के विधायक ने पूजा करके मां ज्वालापुर विधायक ने मां गंगा का आशीर्वाद भी लिया। विधायक रवि बहादुर ने पूजा की। रुड़की विधानसभा सीट से प्रदीप बत्रा ने जीत की हैट्रिक लगाने के बाद आज प्रकाश होटल में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि उनका फोकस रुड़की शहर को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाना है और इसी के आधार पर वह दिन रात कड़ी मेहनत कर सभी कार्यों को प्राथमिकता देने का काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे उत्तराखंड में मोदी और धामी के नारे पर चुनाव लड़ा गया, जिससे जनता ने स्वीकारा और फिर से एक बार प्रचंड बहुमत देकर सेवा करने का मौका दिया। धन्यवाद करी गई, प्रेस वार्ता करी गई, सभी ने चुनाव में पूरा साथ दिया और पूरा सहयोग करा और रुड़की जो है हम लोग प्रचंड बहुमत से जीते और तीसरी बार जनता ने मौका दिया। जनता के विश्वास पे खरा उतरेंगे, ऐसा लक्ष्य लेकर हम लोग चल रहे हैं, जो भी काम शेष जाएगा उनको पूरा करेंगे। निश्चित रूप से राष्ट्रीय नेता और धामी के मुख्यमंत्री बनाते हैं और वो हमारे प्रदेश का नेतृत्व करते हैं और अगर उनको जरूरत पड़ी तो मैं रुड़की की सीट उनके लिए छोड़ने के लिए तैयार हूँ। यहाँ से चुनाव लड़ें उनको हम भारी मतों से यहाँ से विजय बनाकर ले लेंगे। और बोध नाम पर हमने चुनाव लड़ा और जनता ने मैंडेट दिया है, जो प्रचंड बहुमत उत्तराखंड में आया है 48 सीटों का, ये धामी जी और मोदी जी के कार्यशैली पर, उनकी कार्यकुशलता के नाम पर आया है। तो धामी जी अगर उत्तराखंड नेतृत्व करेंगे तो उनको जनता चाहती है, प्यार करती है और जनता को उन्होंने काम किए हैं, तो मैं निश्चित तौर से ये विश्वास है कि धामी जी उत्तराखंड का विकास करेंगे और उत्तराखंड जो है
पूरे देश का ही नहीं दुनिया का नंबर एक स्टेट। रुड़की के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सचिन गुप्ता ने पुष्कर सिंह धामी को खुली चेतावनी दी है। चेतावनी देते हुए कांग्रेस नेता सचिन गुप्ता ने बयान दिया है कि अगर वह रुड़की सीट खाली होने पर चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें 10,000 से अधिक मतों से पराजित करेंगे। सचिन गुप्ता ने यह भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी को वह समर्पित कार्यकर्ता है, अगर पार्टी ने उन्हें फिर से मौका दिया तो पुष्कर सिंह धामी के सामने चुनाव जरूर लड़ेंगे। इसी के साथ उन्होंने भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा पर पलटवार करते हुए यह बयान दिया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत फिर से सियासी मैदान में लौट आए हैं। दो दिन शांत बैठने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक बार फिर नए तेवर के साथ दिखाई दे रहे हैं। चुनाव में मिली हार के बाद तमाम प्लेटफॉर्म पर उनको लेकर हो रही आलोचनाओं का उन्होंने करारा जवाब दिया। अपने फेसबुक पेज पर हरीश ने लिखा कि पराजय के बाद पराजित सेनापति को हमेशा आलोचनाएं सुननी पड़ती हैं। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।